तो तभी उन्हीं दिनों जब कॉलेज किया मैंने, तो ब्रदर्स ने सजेस्ट किया कि तुम आर्ट क्यों नहीं करते। मुझे तो पता ही नहीं था कि आर्ट कॉलेज भी होता, कहीं सिखाई जाती है आर्ट, मुझे नहीं पता था। तो उनसे पूछा तो उन्होंने बताया हाँ पॉलिटेक्निक में आर्ट कोर्सेज हैं, वहाँ देखो। तो वो मुझे ले गए वहाँ, पता किया कोर्स वोर्स का, तो बस वहाँ से शुरुआत हो गई। टीचर्स जिनसे, हाँ मेरे जिनको मैं बहुत लाइक करता था, उनमें से वो राजेश मेहरा और जगमोहन चोपड़ा, ये दो मेरे मेन टीचर्स रहे हैं। अदरवाइज तो खैर सोमनाथ होर और कई थे, हाँ वो भी थे, लेकिन ठीक है वो भी अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन ये दो थे जिनका मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस हुआ। जो मुखर्जी तो जा चुके थे, हाँ उस वक्त, हाँ वो चले उस वक्त, मेरा ख्याल वो लास्ट ईयर था उनका जब मैंने ज्वाइन किया था। तो आपने जैसे राजेश मेहरा की कुछ पढ़ाने की टेक्निक के बारे में मुझे एक बार जय झुरिया भी कह रहे थे, जब पढ़ाते थे तो काफी डूब जाते थे। मॉरिस ग्रेव्स की जो चिड़ियों के बारे में जो उनकी पेंटिंग है, वो वैसे कहीं किसी भी टॉपिक पर जब वो बात करते थे तो घंटों तक वो बोल सकते थे, और वो आपको काफी प्रेरणा दे देते थे, और एक एक चीज़ ऐसे लगता था कि जैसे हाँ ऐसे हो रहा है, ना कि सिर्फ ऐसे लेक्चर दे दिया और चले गए। उनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, कहीं गए और वहाँ का सारा, या पेंटिंग के बारे में भी जो जिस तरह से एक्सप्लेन करते थे, इमेजिनेटिव पेंटिंग का, कंपोजिशन का, या डिज़ाइन का, ही वॉज़ वेरी गुड टीचर। और उधर जगमोहन चोपड़ा थे, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल थे, फोटोग्राफी है, ड्राइंग है, एचिंग्स हैं, इवन पेंटिंग भी, ही वॉज़ वेरी मेथोडिकल। कि एक जो मेथड्स अगर मैं कुछ सीखा, डिसिप्लिन जो सीखा वो मैं उनसे सीखा, हाँ, तो ड्राइंग, स्ट्रक्चर, पोर्ट्रेट वगैरह, ये ही वॉज़ द राइट टीचर फॉर मी।